रूपा जी, खाद्य तेलों में सबसे पहले बात की जाए अगर सीपीओ की, तो इंडोनेशिया की सरकार ने सीपीओ पर बैन तो लगा दिया है कि सीपीओ का निर्यात नहीं होगा, और भारत अपने खाद्य तेलों की आपूर्ति के लिए सीपीओ पर ही सबसे ज़्यादा डिपेंड है आयात में, और सबसे बड़ा खाद्य तेलों का आयातक देश भी है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, अगर इंडोनेशिया जैसे बड़े उत्पादक देश से सीपीओ का बैन होता है और भारत में इसकी क्यों किल्लत देखने को मिलती है, तो उसका असर बाज़ार पर, खाद्य तेलों के बाज़ार पर और कीमतों पर कितना देखने को मिल सकता है? देखिए, जो अभी बैन लगाया गया है और उसका असर तो सीधा सीधा यही है कि यहाँ पर अब महंगाई बढ़ सकती है और कीमतों को सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। और जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि पाम ऑयल की कीमतें रिकॉर्ड स्तरों पर कारोबार करती हुई दिखाई दे रही है, पहले 2008 में और 2011 में पाम के हमने भाव ऊपरी स्तरों पर देखे थे, लेकिन इस बार भाव को काफी अपसाइड मोमेंटम में देखने को मिल रहे हैं। और नो डाउट जो इंडिया है वो एडिबल ऑयल का दुनिया में सबसे बड़ा इंपोर्टर है, और इसका सीधा सीधा असर यहाँ पर इंपोर्ट पर आता हुआ दिखाई दे सकता है, और इसके चलते कीमतों को सपोर्ट मिल सकता है। एक्सपेक्टेड है कि बैन लगने के फैसले से अभी भाव में तुरंत प्रभाव से अगर देखा जाए 8 से 10% का उछाल दर्ज किया जा सकता है। तो उम्मीद है कि ये तेजी बन सकती है और इसका सीधा असर भारत के ऊपर ये आएगा कि सभी खाद्य तेलों की कीमतों में उछाल देखने को मिल सकता है। जी,